मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपसे लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी मौजूदा अगर मैं बात करूं तो हम देख रहे हैं कि ये हमले और भी ज्यादा भीषण होने जा रहे हैं। यानी हमास, कहा जाता है कि जो कि एक आतंकी संगठन है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वाया उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब जानकारी है कि उसके पास और भी रॉकेट है, बड़े रॉकेट जो वो दागेगा इसराइल की तरफ। कहां से आ रहा है ये सर? जी हाँ, देखिए, हमस जो कि फाउंड हुआ था 1987 में, बिल्कुल पहली इफ्तिदा के बाद, उसके बाद, और हमस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मुद्दा क्या था कि फिलिस्तीन को लिबरेट करना है। अब हमस को आतंकवादी संगठन का नाम दिया गया है अमेरिका से, और ये बैन आउटफिट भी कहलाता है। अगर हमस वाकई में लिबरेट करने के लिए, जो जिस मकसद से ये फॉर्म हुआ था लिबरेट करने के, तो फिर ये पहली बात तो ये मासूम औरतों, बच्चों पे, सिविलियंस पे ये उनका कत्ल नहीं करता। Exactly. जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं, दिल दिला देने वाले, रूह कांप जाती है वाकई में। देखिए, मैं भी फौजी हूँ, ठीक है, हम प्रोफेशनल किलर नहीं है, हम फौजी हैं। हम अगर दुश्मन को भी जंग में, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मैं मानता हूँ, अगर जंग में भी हमने भी, हिंदुस्तानियों ने भी, हमने पाकिस्तानियों को भी कब्जे में लिया है अपने, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे हमने 71 की लड़ाई में, जिसमें मेरे फादर ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1962 में चीन से लड़ाई हुई थी, 1965 में पाकिस्तान, 71 में, 1999 में पाकिस्तान के साथ, हमने तो कभी सलूक नहीं किया दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक, क्योंकि हम सोल्जर हैं, हम सिपाही हैं, हम फौजी हैं, हम दूसरे फौजी को भी इतनी ही इज्जत देते हैं। हमने सिविलियन पे कभी वार नहीं किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी, लेकिन केवल आतंकवादी कैंप पे हमने स्ट्राइक करके हम आए, हमने सिविलियन पे हाथ नहीं उठाया। जिस तरीके से हमस जिस तरीके से हमले कर रहा है सिविलियंस पे, बच्चों पे, वाकई में ये कतई मंजूर नहीं है। हाँ, वहां से कोई भी वकालत करे कि भाई इसराइल जुल्म आया है फिलिस्तीनियों पे, कुछ भी हो, देखिए, पहली बात तो ये है कि मानवता, इंसानियत का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और हमस की आपने रॉकेट की बात की, इनके पास रॉकेट में ये एक तरीके से स्पेशलाइज करता है, इनके पास बहुत अन्य रॉकेट्स हैं, मेनली शॉर्ट रेंज। और 1994 में इस ग्रुप को फ्रीक्वेंटली स्टेट किया था कि भाई ये एक ट्रूस, एक पीस, शांति की बात करेंगे अगर इसराइल 1967 के बॉर्डर्स पे रिपेट्रियल्स उनको मान जाता है, फ्री इलेक्शंस उनकी टेरिटरी में, कई सारी पैक्स रखी गई थी अगर ये, मगर इनके पास ऐसे ऐसे रॉकेट है, आपको बताता हूँ मैं, इनके सुसाइड बॉम्बिंग इनमें ये खास तौर से ये माहिर है। इसके अलावा 2001 से ये रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, उनके रॉकेट्स ऐसे हैं जैसे कि कासाम रॉकेट्स, उनकी रेंज होती है 16 किलोमीटर, तकरीबन 10 माइल, 9.9 माइल टू बी प्रिसाइज। इसके बाद ग्रैड टाइप रॉकेट्स भी हैं जिनकी 21 किलोमीटर जगह 13 माइल की इनकी रेंज है, जो 2009 के बाद ये तकरीबन इंडक्ट हुए थे। फिर लॉन्गर रेंज भी है इनके पास, जो कि 40 किलोमीटर, जो कि 25 नहीं, पर मेजर मोहम्मद शाह, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, फिर इजरायली ड्रोन जिसको कहा जाता है कि वो सुपर पावरफुल है, और इस तरह के जब भी हमले होते हैं तो वो वहीं पर ही उनको रोक देता है। अब हम देख रहे हैं जो पहला हमला हुआ उसके बाद में 400 और रॉकेट दाग दिए, तो यहाँ पर ये असफलता है क्या अभी शुरुआती दौर में? जिस तरह से इसराइल ने कहा कि हम युद्ध में हैं और अब बदला लेंगे, और बदला लिया भी जा रहा है लगातार, मतलब इसराइल के मुकाबले में अगर फिलिस्तीन को या हमास को देखा जाए तो वो तो 1% मान लीजिए फिलहाल की सिचुएशन में, फिर भी अगर इतनी देर तक गतिरोध चल पा रहा है तो उसकी क्या वजह है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात ऐसी है कि अब तक सब सोचते थे कि इसराइल की तकनीकी, मैं भी सोचा था कि इसराइल की तकनीकी में को वो उनको तोड़ना, उनका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है, कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पे इतने आगे हैं और ये वॉर फ्रंट पे बहुत आगे हैं, इनकी कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होती है, हर किसी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ चंद एक साल फौज में देने ही पड़ते हैं, इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। अब ये एक भ्रम था, मैं ये कहता हूं, क्योंकि हमस ने इनके टैंकों को भी नष्ट किया है, इनके कैपिटल सिटी टेल अवीव के अंदर तक इनके वहां पे तहस नहस मचाई है। अब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करी है, बिल्कुल, और इसमें बहुत से हमस के लोग, बहुत से लोग मारे गए हैं, दो तरफ से अब ये भीषण युद्ध छिड़ गया है। लीबिया के लोग सामने आए हैं और हिजबुल्ला सामने आया है, ईरान जश्न मना रही थी, बाकी जितने भी पूरे मुल्क, क्या ये माने कि इसराइल घिर गया है इस बार? उधर लेबनान, हिजबुल्ला, फिर ईरान, वहां पर तो जश्न मनाया जा रहा है, तो क्या ये मानकर चलें कि इस वक्त एक पहले ही युद्ध झेल रहा है पूरा विश्व और अब यहाँ दूसरे की तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं?
हाँ बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। और देखिए एक तरफ यहाँ पे आप देखिए सब जानते हैं, पूरा देश पूरा दुनिया पूरी दुनिया जानती है यहाँ पे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप देखिए चीन और ताइवान के बीच में तनाव है, आप देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है, आप देखिए तुर्की का देखिए, आप देखिए सीरिया का देखिए, आप देखिए मिस्र में, आप कोई भी आप कहीं पे भी आप बात करिए, आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे हिंदुस्तान की बात कर ले, हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात कर ले, हमारे पाकिस्तान बार बार हमें छेड़ता है, हम फिर भी कितना बर्दाश्त करते हैं उनको है। अब चीन हमें छेड़ता है, हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ऐसा मुंह तोड़ जवाब भी हमने दिया है। तो दुनिया भर में तनाव चल रहा है, ये तो मैं कहूंगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, भाई कुछ कह नहीं सकते, कुछ बहुत लोग कहेंगे दावे के साथ कहते हैं कि नहीं जाएगा, बहुत लोग दावे के साथ कहते हैं कि जाएगा, भाई मैं कह रहा हूँ कुछ कह नहीं सकते, वक्त बताएगा अल्टीमेटली, आप वेट एंड वॉच, हम एक लूज स्टेटमेंट एक गेस वर्क फटाफट कर ले और कल को वही चीज हमें वही शब्द हमें दबाने पड़े, लेकिन ये बात जरूर है कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है। Exactly, ये इंसानियत का कत्ल है, कोई भी युद्ध समाधान नहीं देता।